नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरीश पोटे साई श्री इनफर्टिलिटी और टेस्ट बेबी सेंटर में मैं काम करता हूँ। अब हम जो सीरीज चालू करने वाले हैं उसमें प्रेगनेंसी में डाइट क्या लेना है वो हम देखेंगे, एक एक पॉइंट से हम लेंगे। सबसे पहला पॉइंट लेंगे कि डाइट कितना लेना है। अब जब पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो घर वाले बोलते हैं कि भाई अब तुम एक नहीं दो हो, तो आपका डाइट डबल होना चाहिए, आपने दो आदमी का खाना खाना चाहिए, और उतनी तो भूख पेशेंट को लगती नहीं है। तो ये गलत बात है कि उसको डबल खाना खाना चाहिए। पर अगर नॉर्मली वो दिन में 3 बार खाना खाती है तो उसके जगह उसको दिन में 4 बार खाना खाना चाहिए। इतना डाइट सफिशेंट है और उतना पेशेंट को अपने आप भूख ही लगता है और वो अपने आप एक टाइम का खाना ज़्यादा खाती है। उसको अगर दिन में 4 रोटी खाती है अभी, तो प्रेगनेंट होने के बाद 8 रोटी खाना ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत बात है, इससे उसको तकलीफ होगी। तो जितना उसका भूख है उतना ही उसको खाना खाना चाहिए।